जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद इस्लाम। आज हम बात करेंगे स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। स्वीडन जो कि एक शेंजन स्टेट है, और उसके वीज़ा पे आप दूसरे कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे इटली, फ्रांस, नॉर्वे, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो अभी स्वीडन ने एक कुछ महीनों से एक वीज़ा कैटेगरी जो है वो अनाउंस की है, जिसमें मास्टर डिग्रीज जिनके पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और 3 से 9 महीने तक, 3 to 9 month का जो वीज़ा ड्यूरेशन है वो आपको मिलेगी। और इस टाइम में आप स्वीडन में रहकर लीगली जो है वहाँ पे जॉब आप ढूंढ सकते हैं, और जैसे आपको जॉब मिल जाएगी तो उसके साथ ही आपको TRC कार्ड मिल जाएगा, आप रेजिडेंट हो जाएंगे वहाँ के, और 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और आपकी एज जो है वो लेस देन 40 है, तो आपके चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आपको वीज़ा जो है वो 9 month से कम का मिला है, 3 month का या 6 month का, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 9 month का जो है वो आपको वीज़ा मिल जाएगा, और ये एक शेंजन वीज़ा की तरह होगा। आप दूसरे जो है शेंजन स्टेट्स में भी जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं इसी वीज़ा पे, और ये एक सिंगल एंट्री वीज़ा होगा। एक ही बार आप जब एग्जिट करेंगे तो ये वीज़ा जो है वो आपका एक्सपायर हो जाएगा, और इस टाइम में लीगली आप जॉब ढूंढ सकते हैं वहाँ पे। वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसी वजह से उन्होंने वाइट कॉलर स्टाफ के लिए, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए, उन्होंने ये कैटेगरी ओपन की है। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, विद इन 2 months जो है वो आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसके लिए आपको पासपोर्ट जो है वो कॉन्सुलेट में सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पास आएँ, हमारे पास पोर्टल है स्वीडन का, और उसी में ही हम आपका अप्लाई करेंगे, और जैसे ही अप्रूवल लेटर आएगा उसके बाद जो है वो पासपोर्ट आप कॉन्सुलेट में दे के जो वीज़ा स्टिकर है वो पेस्ट करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। काइंडली जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनके पास मास्टर डिग्री है, जो एलिजिबल हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा क्या है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि दूसरी वीडियो भी आप तक पहुँच सके।